गाइस, आप लोगों को पता है सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई है। तो मेरे को पता नहीं, मीम पेजेस, ये जो पेजेस को हम फॉलो करके रखते हैं उसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं कि इसने क्या, उसने क्या, ये क्या, वो क्या। तो मैं सोची चलो वीडियो ही ढूंढ के निकालती हूँ ताकि अपने को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले इसके बारे में, एंड देन समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली किसने क्या किया। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन सलमान खान हाउस फायरिंग लेटेस्ट न्यूज बाय News18 इंडिया। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। पहले बात करेंगे सलमान खान के घर हुई फायरिंग की। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार, कई बार। यहाँ सलमान खान के खिलाफ कोई ना कोई गैंगस्टर सक्रिय है। अमेरिका से ये ऑर्डर आया, हरियाणा से मुंबई शूटर पहुंचा है। मकसद क्या था? मकसद था सलमान को डराना, या मकसद सलमान ही निशाने पर थे, या फिर मुंबई के पूंजीपतियों को खौफ का एक ट्रेलर दिखाना? आपको इस खबर से जुड़ी इनसाइड स्टोरी आज अखाड़ा में बताएंगे। इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है ये भी बताएंगे। फायरिंग करने वाला शूटर कालू, ये कौन है? उसे फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया? सलमान के घर की रेकी किसने की? और सलमान के खिलाफ ये साजिश कब से चल रही है? इनमें किन किन लोगों के शामिल होने का शक है? और फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स मुंबई से भाग सके, ये मदद किसने की? ये सब कुछ आपको बताएंगे यहां आज अखाड़ा में। सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले से जुड़ी इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की पूरी जानकारी मांगी। अब तक जांच में यह भी सामने आया है कि सलमान खान के घर हमेशा तैनात रहने वाली मुंबई पुलिस की गाड़ी रविवार की सुबह वहां मौजूद नहीं थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शूटरों ने क्या इसी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया है और उससे आरोपियों को पकड़ने में मदद भी मांगी है। अब वहीं सलमान खान के घर हुई फायरिंग से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी इस वक्त अखाड़ा में सामने आ रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने उस सोशल मीडिया पोस्ट का आईपी एड्रेस ढूंढ निकाल लिया है जिसमें सलमान पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई थी। जांच में अब यह सामने आया है कि जिस आईपी एड्रेस से यह पोस्ट किया गया है वो आईपी एड्रेस कनाडा से निकला है और इसके लिए वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया था। सलमान खान के घर हुई फायरिंग के बाद कल अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। हालांकि इसका ओरिजिन कहां से आया है ये पुष्टि हो चुकी है कि देखिए ये कनाडा से निकला था। अब सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की वारदात को फूल प्रूफ प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था। पहले मोटरसाइकिल पर सवार शूटरों ने सरेआम फायरिंग की और फिर वहां से फरार हो गए। फिलहाल एक शूटर की पहचान भी हो गई है। अब क्राइम ब्रांच की टीम दूसरे शूटर की पहचान करने में लगी हुई है। ये शेर बूढ़ा जरूर हो गया है लेकिन शिकार करना नहीं भूला। ये क्या मूवी संदीप का बीच में डाल रहे हो यार, थोड़ा सीरियस दिखाओ। शूटरों की तलाश में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच। पहली गोली, सीसीटीवी से एक शूटर की हुई पहचान। शूटरों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में अलर्ट। ये वीडियो उस वक्त का है जब मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोहित गोदारा के दो शूटर सलमान खान के घर के बाहर पहुंचते हैं और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। जब तक वहां मौजूद लोग कुछ भी समझ पाते, शूटरों ने एक के बाद एक छह फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को इसकी सुपारी दी थी, जिसके बाद रोहित गोदारा ने शूटरों का इंतजाम किया था।
सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कल सुबह 4:55 पे 6 राउंड फायरिंग जो है वो की गई है। हम आपको बता दें, बाइक पर सवार 2 अपराधी आए, उन्होंने 4:55 पे सलमान खान के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट के ठीक सामने आंधाधुन 6 राउंड फायरिंग कर दी, जबकि 6 राउंड फायरिंग जो है उन दोनों अपराधियों ने की। वो बाइक पर आए, जिसमें से पीछे सवार एक व्यक्ति ने आंधाधुन फायरिंग जो है वो सलमान खान के घर की तरफ कर दी। वहीं अगर हम दोनों आरोपियों की टाइमलाइन बताएं तो 4:55 पर वो सलमान खान के घर के बाहर यानी कि इस सड़क पर आए, उन्होंने बाइक थोड़ी सी धीमी की, दोनों ने हेलमेट पहन रखी थी ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम शूटरों की तलाश में जुट गई है और जिन 2 शूटरों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी उनमें से एक की पहचान हो गई है। एक शूटर की पहचान विशाल उर्फ कालू के तौर पर हुई है। पुलिस की सघन जांच और कई सीसीटीवी कैमरों की तलाशी के बाद ही शूटर विशाल उर्फ कालू की पहचान हुई है। वहीं उसके साथ दूसरा शूटर कौन था इसकी जांच की जा रही है और इसके लिए मुंबई के बाहर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका है कि ये दोनों ही शूटर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे और उन दोनों के मुंबई से बाहर भागने की आशंका है। अब आपको शूटर विशाल उर्फ कालू की क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। शूटर विशाल उर्फ कालू हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। विशाल उर्फ कालू के खिलाफ 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गुरुग्राम में फायरिंग, मर्डर, मोटरसाइकिल चोरी के केस दर्ज हैं। विशाल उर्फ कालू के खिलाफ दिल्ली में भी मामला दर्ज है। रोहतक में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के इशारे पर एक बुकी का कत्ल किया था। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दोनों शूटरों की तलाश में जुट गई है। विशाल उर्फ कालू के रूप में एक शूटर की पहचान हुई है और वो रोहित गोदारा के लिए काम करता है और दूसरे शूटर की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। शूटरों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाके में हुई इस वारदात की जाँच हरियाणा और राजस्थान में भी की जा रही है। सलमान खान तो थे ही नहीं वहां पे। ओ माय गॉड, क्या हो गया ये। एंड एक्चुअली ऐसे ही फायरिंग कर दिया ना, सलमान खान तो थे ही नहीं ना वहां पे बाहर। या ऐसे सलमान खान होते एंड देन फायरिंग, ओ माय गॉड, लोग एकदम शॉक हो जाते। तो मेरे को वही देखना था कि एग्जैक्टली क्या है न्यूज और किसने किया, कैसे पहचान हो गई, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया एंड ऑल। तो पकड़ा नहीं गया, सिर्फ पहचान हुई है एंड माइट भी वो मुंबई से तो निकल गए होंगे, तो इसलिए बाकी सारे लोकेशंस पे भी सब जगह पे अलर्ट कर दिया है कि अगर मिल जाए तो एंड ऑल। और उनके खिलाफ तो केसेस भी है, हाय इतना डेंजर, बहुत खतरनाक हो गया। मैंने जितना पेजेस पे देखा इट वॉज लाइक शायद सलमान खान के फादर सलीम खान ने बोला था, पता नहीं है ये सही है या नहीं, जिस किसी पेज में मैंने, आप लोग बताओ मुझे सही है या नहीं, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है या जो कुछ भी है, मतलब ये सिर्फ एक खौफ पैदा करने के लिए है। बट यार आपको क्या लगता है। आई नो कि सलमान खान ने अभी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है अपने इर्द गिर्द, कितने 49 या 39 है ना अभी सिक्योरिटी गार्ड्स, और नेमकी जब पुलिस नहीं थे उनके घर के बाहर और तब ये किया गया है। मैं वही सोची, सड़क तो पूरी खाली दिख रही, इट वॉज सुबह का टाइम 5 बजे से पहले राइट, तो यस इसलिए इतनी खाली थी सड़क। आवाज आया होगा फिर फायरिंग का, आवाज आने की वजह से फिर उन्होंने ढूंढ के निकाला होगा कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। ओह माय गॉड। तो ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाल, बाय।